ओके दोस्तों, कैसे हो आप? सब उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होगे। दोस्तों आप लोग जो अभी स्टार्टिंग में जो सॉन्ग सुना दोस्तों, आपके ही डिमांड पर ये सॉन्ग है। आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहा है भाई ओल्ड सॉन्ग पर भोजपुरी वीडियो लेकर आओ, तो आज तुम्हारा भाई लेकर आ चुका है। तो दोस्तों आप लोग आज का स्टेटस कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर अपने छोटे भाई को मोटिवेट करना, क्योंकि आप लोग कमेंट शेयर बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट मिलता है। तो चलो दोस्तों इस वीडियो को फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। कैसे इसको बनाना है सब चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, तो वीडियो को आप लोग कंटिन्यू लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों अलाइट मोशन एप्लीकेशन को आपको जरूरत पड़ेगी, तो अलाइट मोशन आपको प्ले स्टोर मिल जाएगा एंड आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। दूसरा बात, आपको सॉन्ग बेट मार और सर्टिफिकेट और एक वीडियो क्लिप आपको मेरे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जो कि दोस्तों नहीं सपोर्ट करता है जिन भाई में उन भाई लोग में सपोर्ट कर जाएगा। वहाँ से अगर डाउनलोड करेंगे तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और साथ ही दोस्तों सॉन्ग बिटमार्क सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर मेरे वेबसाइट पर मिल जाएगा। अगर वेबसाइट से डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मेटेरियल कैसे डाउनलोड करें उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए अभी हो, अब देखिए यहाँ पर सॉन्ग बिटमार्क और ये सर्टिफिकेट आपको ये दो चीज़ मिल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर प्लस एंड क्लिक करेंगे, यहाँ पर 9.16 के रेशियो लेंगे, पे क्लिक करके प्लस एंड क्लिक करके यहाँ पर देखिए मीडिया पर जाके फिर से, और यहाँ पर जो भी फोटो का आप बनाना चाहते हैं स्टेटस, सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को फोटो लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले कोई फ़ोटो ऐड कर लेता हूँ। फ़ोटो ऐड करने के बाद यहाँ पर देखिए फुल स्क्रीन में इसको कर लेना है, उसको यहाँ से बैक करके सेम के लेना, और यहाँ पर PNG का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना, ठीक है। जब एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो एक्सपोर्टिंग है वो चालू हो जाएगा। उसको यहाँ पर आपको सेव का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो सेव भी कर लीजिएगा, उसको यहाँ से बैक करना और यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट बन जाएगा, इसको पकड़ कर डिलीट कर देना, क्योंकि अभी इसका कोई काम नहीं है। और 9.16 के इसमें एक फ़ोटो नहीं लगाना है, आपको मतलब कि PNG करना है, आपको कम से कम 4-5 फ़ोटो को PNG कर लेना है अपनी गैलरी में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए सॉन्ग बिट मार पर एंट्री मारेंगे, और दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले एक फ़ोटो ऐड करेंगे, कोई भी साइज़ की यहाँ पर आप फ़ोटो ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं कोई भी एक फ़ोटो यहाँ पर ऐड करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले फ़ोटो लूँगा, मैं फ़ोटो ऐड किया, यहाँ पर मैं इसको फुल स्क्रीन करूँगा, बीट के हिसाब से इसको कट कर दूँगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए डबल बीट मिल रहा है, तो मतलब कि एक ही बीट से आप लोग कट करना है, ठीक है। और फोटो को भी आपको यहाँ पर ले लेना है, ठीक है। देखिए एक फ़ोटो आपको लगाना है, इसको बैक करके सेकंड इफेक्ट में आना है, और आप लोग को एक इफेक्ट में दूँगा, यहाँ पर फर्स्ट में रहेगा ये वाला इफेक्ट में, सेकंड इफेक्ट में इसको क्लिक करना है। इफेक्ट पर क्लिक करके थ्री डॉट पर क्लिक करके इसको कॉपी इफेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर कॉपी इफेक्ट करेंगे तो इस प्रकार से आप लोगों को हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से बैक करके यहाँ पर देखिए सॉन्ग बिट मार्क में एंट्री करना है, और यहाँ पर देखिए इस पर क्लिक करना है फोटो वाले पे, और इफेक्ट क्लिक करके थ्री डॉट पर क्लिक करके पेस्ट पेट कर देंगे, ठीक है। जैसे पेस्ट पेट करेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से मतलब हो जाएगा। तो आप लोग को इस प्रकार से नहीं लगाना है, सॉरी दोस्तों, यहाँ से बैक करना है और यहाँ पर सेक इफेक्ट में आना है, और इसे क्लिक करना है, और यहाँ पर देखिए पेस्ट ले, यहाँ पर डबल बॉक्स क्लिक करके यहाँ पर कॉपी लेयर के एक ऑप्शन मिल जा रहा है, कॉपी लेयर कर लीजिएगा, इसके बाद बैक कर देना है और सॉन्ग बिट मार्क में आना, और जो फोटो हमने लिया इस पर क्लिक करना है, डबल बॉक्स पर क्लिक करना है, और यहाँ पर पेस्ट स्टाइल का ऑप्शन मिलेगा, तो आप लोग को पेस्ट स्टाइल नहीं करना है, ये जो आपको तीर मिल रहा है इस पर क्लिक कर देना है, और कलर को यहाँ पर छोड़ा देना है, उसको यहाँ से पेस्ट करेंगे, ठीक है। देखिए पेस्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आप लोगों का फोटो आ जाएगा इस प्रकार से, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हो गया, तो इस प्रकार से आप लोग को मतलब कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर इसको पहले फोटो को भी फुल स्क्रीन में करना है, ये बात नहीं कि फुल स्क्रीन नहीं करेगा, ठीक है, फुल स्क्रीन कर लेना, ठीक है। उसको यहाँ पर डबल बीट पा जाएंगे, प्लस में क्लिक करके मीडियम जाके यहाँ पर आप दूसरा कोई फोटो ऐड करेंगे, फुल स्क्रीन में करेंगे, बीट के हिसाब से कट कर देंगे, प्लस में क्लिक करके मीडियम जाकर फिर से फोटो लेंगे, फिर से फुल स्क्रीन में करूँगा, फिर से बीट के हिसाब से कट करूँगा। तो यहाँ पर फोटो लेना है, यहाँ से अब लेना है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 फोटो को ऐड करिएगा, क्योंकि यहाँ पर डबल बीट मिल जा रहा है, तो यहाँ पर आप लोगों को रुक जाना है, ठीक है। 7 फोटो को ऐड करना है, सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। सबसे पहले 7 फोटो ऐड कर लीजिएगा, उसमें बैक करके सेकंड इफेक्ट में आना है, और यहाँ पे 2 नंबर पर जो इफेक्ट आपको ये मिल रहा है ये वाला, इस पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर क्लिक करके थ्री डॉट पर क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेना है। कॉपी इफेक्ट करने के बाद यहाँ पे सॉन्ग बिट मार्क में एंट्री कर देना है आप लोगों को फिर से, और यहाँ पर दोस्तों जो आपने 7 फोटो ऐड किया, ठीक है, इफेक्ट पर क्लिक करके थ्री डॉट पर क्लिक करके पेस्ट पेट कर देना है, ठीक है। 7 फोटो में ध्यान रहे, 7 फोटो में आप लोग को इसी वाला इफेक्ट को लगाना है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 0.27 से, और यहाँ से स्टार्ट करते आए वो पेस्ट करते हम लोग के यहाँ तक आ जाना है 6.20, ठीक है। यहाँ तक मतलब कि 20 तक आ जाना है, 6.20 तक आप लोग को यहाँ तक मतलब कि पेस्ट कर देना है इसी वाला इफेक्ट को। इसको दिया हुआ नंबर आता है डबल बीट, तो फिर से प्लस में क्लिक करके मीडिया जाके यहाँ पर दूसरा कोई फोटो ऐड कर लीजिएगा। दोस्तों ये सारा फोटो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ से ले लीजिएगा। बीट के हिसाब से कट करके प्लस में क्लिक करके मीडिया जाकर फिर से दूसरा कोई फोटो ऐड करना, फुल स्क्रीन करना, बीट के हिसाब से कट करना है, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करना है 6.21 से, और आप लोग को यहाँ तक मतलब कि लगाना है सबसे पहले डबल बीट तक, ठीक है। 12.14 तक यहाँ तक पहले सबसे पहले लगा लीजिए फोटो। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। फिर 7 फोटो ऐड करना है, 7 फोटो ऐड करने के बाद बैक करके सेकंड इफेक्ट में आना है, और यहाँ पर 3 नंबर पे इफेक्ट ये वाला मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। इफेक्ट पर क्लिक करना, थ्री डॉट पर क्लिक करना, कॉपी इफेक्ट कर लेना है। कॉपी इफेक्ट करने के बाद सॉन्ग बीट मारो, फिर से एंटर करना है और हम लोग को 7 फोटो जो फिर से हमने लगाया यहाँ से स्टार्ट करके फिर 7 फोटो में इसी वाला इफेक्ट को पेस्ट करेंगे। ठीक है, सब सिंपल बात रह गई। ठीक है, तो यहाँ से आप पेस्ट कर लीजिएगा इस प्रकार से 7 फोटो में। ठीक है, यहाँ तक। अब यहाँ तक पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आ जाता है हम लोग का लेयर अब बना हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। देखिए ये रेड वाला पर सबसे पहले क्लिक करना है, कलर में जाना है और यहाँ पर विनय स्टेटस टेक मिलेगा, इस पर क्लिक करके यहाँ पर 9.16x16 फोटो को सबसे पहले आप लोग को रिफ्रेश कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले कोई फोटो ऐड कर लेता हूँ, प्लस में क्लिक कर दूँ, यहाँ पर ये बैकग्राउंड में लग गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपको ये VST लिख रहा है इसमें भी फोटो ऐड करना है, तो ये पीले वाला पर क्लिक करना है, कलर में जाना है, फिर से क्लिक करके फिर से यहाँ पर कोई फोटो ऐड कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा। फिर आगे आ जाना है और आगे आप लोग को लेयर बना हुआ है लेकिन शो नहीं हो रहा है, तो इसके लिए इस पर क्लिक करना, कलर में जाना, इस पर सेलेक्ट करना, इस पर सेलेक्ट करके फोटो को फिर से यहाँ पर ऐड करना है। ठीक है, फिर समझ नहीं आ रहा तो फिर समझाऊँ, इस पर क्लिक करना है, कलर में जाना, ये वाला सेलेक्ट रहेगा, ये वाला सेलेक्ट करना, स्टार वाला का विनय स्टेटस टेक का जाएगा, इस पर क्लिक करके यहाँ पर आप लोग फिर से कोई दूसरा फोटो ऐड कर लेना है। ठीक है, मतलब कि इस प्रकार से आप लोगों को फोटो को यहाँ पे इस प्रकार से करना है। ठीक है, फिर यहाँ पे इस पर क्लिक करना, कलर में जाना, फोटो रिप्लेस करना। ठीक है, फिर शो नहीं हो रहा है तो सिंपल वही मतलब कि वही प्रोसेस है, इस पर क्लिक करना, कलर में जाना, ये वाला सेलेक्ट रहेगा, ये वाला सेलेक्ट करना और यहाँ पर विनय स्टेटस टेक पे यहाँ क्लिक करके यहाँ पर फिर से दूसरा कोई फोटो ऐड करना। ठीक है, इस प्रकार से फिर इसमें भी शो नहीं हो रहा तो इस पर भी क्लिक करें, कलर में जाना, इस पर क्लिक करके यहाँ पर ही फोटो रिप्लेस करना। ठीक है, अब यहाँ पर शो हो रहा है आप लोग को, लेकिन इसमें क्या करना है, आप लोग को इस पर क्लिक करना है, कलर में जाना, यहाँ पर भी सेलेक्ट करना है ये वाला और यहाँ पर भी आप लोग को मतलब कि फ़ोटो ले लेना होगा। ठीक है दोस्तों, ये इसी प्रकार से आप लोग करना है। ठीक है, इसमें भी आप लोग को इसी प्रकार से करना है, बस इस पर क्लिक करना, कलर में जाना, ये वाला सेलेक्ट रहेगा, ये वाला सेलेक्ट करके फ़ोटो ले लेना, मतलब सिंपल तरीका है, बस वही प्रोसेस है। ठीक है दोस्तों, सेम प्रोसेस है, आप लोग कर लीजिएगा इस प्रकार से। ठीक है, देख सकते हैं इस प्रकार से हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो ये रेड वाला है इस पर क्लिक करना, कलर में जाना, इस पर क्लिक करके बस मतलब कि ज़्यादातर आप लोगों को फोटो रिफ्रेश ही करना रहता है मेरे वीडियो में। हर वीडियो में आपने देखा होगा कि मैं फुल प्रोजेक्ट आप लोग के लिए रेडी देता हूँ। आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर 15.24 पर आएंगे और यहाँ से लेके यहाँ पर इतना बीट मतलब गैप हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या लगेगा, आपको भी समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर प्लस क्लिक करना, मीडियम जाना और जो मैं वीडियो दिया हूँ सबसे पहले यहाँ पर आप लोग को वो वाला वीडियो ले लेना होगा। ठीक है, मैं यहाँ पर सबसे पहले फोटो वीडियो लूँगा, 2 सेकंड का वीडियो है, ज़्यादा देर का वीडियो तो है नहीं, 2 सेकंड का वीडियो है, डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, उसको यहाँ पर लगाने के बाद यहाँ पर ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा, छोड़ देंगे, फिर आगे आ जाएंगे और यहाँ पे हम लोग का 18.22। ठीक है, 18.22 यहाँ पर क्या मिल रहा है, रेडी है, फुल प्रोजेक्ट रेडी। ठीक है, तो आप देखिएगा रेड वाला पर क्लिक कर देना है और कलर में जाना, यहाँ पर क्लिक करके फिर यहाँ पर 9.16x16 फोटो रिप्लेस करना, मतलब कि आप लोग को पूरा वीडियो ही फुल प्रोजेक्ट रेडी आपको मिलता रहता है। तो ये भी फुल प्रोजेक्ट रेडी है, बैकग्राउंड में वही फोटो ऐड कर लेना, जो फोटो ऐड करेंगे वही फोटो बैकग्राउंड में भी ऐड करिएगा तो मस्त दिखने में लगेगा। ठीक है, सो ये हो गया। आप देखिए यहाँ पर भी हो गया। अब यहाँ पर भी इसे क्लिक करना है, ब्लू वाले पर कलर में जाना, फिर इस पर मतलब ज़्यादातर मतलब खाली फोटो रिफ्रेश ही करना है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको भाई आपके लिए फुल प्रोजेक्ट रेडी ले आता रहता है। आप देखिए दोस्तों यहाँ पर 2 इफेक्ट और ऐड होंगे जो कि मैं आप लोग को बता रहा हूँ कैसे कैसे ऐड करना है। सबसे पहले यहाँ पर आ जाना है ये डबल बीट तक और डबल बीट पर आने के बाद अब दोस्तों प्लसिंग क्लिक करना है, मीडियम जाना, फोटो ऐड कर लेना और दोस्तों आप लोग को रिपब्लिक डे वीडियो देखने को मिल गया होगा, नहीं देखे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मिल गया है, आप देख लीजिएगा सब्सक्राइब करके। ठीक है, अब 21.16 पर आ जाएंगे और यहाँ से फोटो ऐड करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 21.16 से और यहाँ डबल बीट शो हो रहा है। ठीक है, 26.27 तक आप लोग पहले फोटो ऐड कर लेंगे, प्लस में क्लिक करके यहाँ तक मतलब कि फोटो ऐड कर लेंगे। फोटो ऐड करने के बाद हम लोग करेंगे बैक, सेकंड इफेक्ट में आएंगे और हम लोग का बचेगा यहाँ पर चौथा इफेक्ट। ठीक है, ये चौथा इफेक्ट, इस पर क्लिक करना, इफेक्ट पर क्लिक कर, 3 डॉट पर क्लिक करें, कॉपी इफेक्ट कर लेना है। सबसे पहले कॉपी इफेक्ट करने के बाद बैक करके सॉन्ग बीट मार पर फिर से आ जाना है और हम लोग चले जाएंगे फिर से यहीं पर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर फोटो हमने ऐड किया था, ये कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्लिक किया, इस पर क्लिक करना, इफेक्ट पर क्लिक करके पेस्ट पेट कर देना। ठीक है, अब देखिए 21.16 से हम लोग एकदम इसी वाला इफेक्ट को एकदम जितने भी बीट है आप फोटो लगाएंगे इसी वाला इफेक्ट को एकदम पेस्ट करते 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 आप लोग को यहाँ तक आ जाना है। ठीक है, यहाँ तक आने के बाद यहाँ पर आप 26.28 तक प्लस करके फिर से मीडियम जाकर फिर से दूसरा फोटो ऐड करके फिर से पोलिसिंग करके फिर से बीट के हिसाब से कट करेंगे और यहाँ से लेके हम लास्ट तक लगाएंगे। बस एक मतलब बीट को छोड़ देना क्योंकि यहाँ पर रेडी है, आप लोग कुछ नहीं करना है। इफेक्ट में आना, फिर से हम लोग करेंगे यहाँ पर लास्ट वाला इफेक्ट को कॉपी, इफेक्ट को लेकर 3 डॉट पर लेकर कॉपी इफेक्ट कर लेंगे, बैक करके सॉन्ग बीट मार पर एंटर करेंगे और दोस्तों हम लोग वहीं पर फिर से चले जाएंगे। ठीक है, जहाँ पर हमने डबल बीट से यहाँ पर स्टार्ट कर रहा था 26 में 28 पे क्लिक करना, इफेक्ट पर क्लिक करके 3 पर क्लिक करके पेस्ट पेट कर देना। ठीक है, अब पेस्ट पेट करना भाई यहाँ से स्टार्ट करना है और आप लोग को ये डबल बीट शो हो रहा होगा, यहाँ तक आपको पेस्ट कर देना है। उसको यहाँ पर बचा हुआ है लास्ट काम, इस पर क्लिक करना, कलर में जाना, बस फोटो को रिप्लेस कर लेना। तब आप लोग का दोस्तों वीडियो भी बन के रेडी हो चुका है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और नेक्स्ट सॉन्ग आपके डिमांड पर रहेगा, कमेंट करिए वो किस सॉन्ग पर स्टेप लेकर आ जाए। ठीक है, शेयर का में क्लिक करना, वीडियो अपना एक्सपोर्ट करना। चलिए दोस्तों मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।